इंतजार में कब जाकर घर पहुंचे। देखो मैंने तो पहले कहा था पानी आ रहा है इसके मुंह में, क्योंकि उसने बोल ही दिया, रुका तो गया नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। और आज हम, यार देखो ठंड बहुत है, थोड़ा कैप वैप से लग रहा होगा, तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा मंदिर, और थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि नहीं यार सॉरी, मंदिर जा रहे हैं और आज मंगलवार है और पूजा करके आएंगे। कार्तिक मेरे साथ है, तो कार्तिक हेलो दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों मंदिर हम आ चुके हैं और कार्तिक अंदर है, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, थोड़ी देर में मैं भी पढ़ूंगा और मंदिर आ चुके हैं। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको कार्तिक कहाँ पर है। ये कार्तिक है, ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ये हमारे पंडित जी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी। हमारे पंडित जी हैं और ये मंदिर है हमारा, मैं दिखा देता हूँ यहाँ दोस्तों, ये हमारा मंदिर है, आप देख सकते हैं। प्रसाद चढ़ाने आए आज हम, और अब थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने आए हैं और जितना मैं दिखा सकता था मैंने दिखाई सारी चीजें। तो अब ये देखिए दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों मंदिर से हम हो चुके हैं और अब जा रहे हैं डोसा लेने जा रहे हैं, और क्या लेने जा रहे हैं कार्तिक? हम इडली, इडली लेने जा रहे हैं, इडली लेने जा रहे हैं, डोसा लेने जा रहे हैं। पहले दोस्तों को प्रसाद दे देते हैं, ये भी भक्त हैं, भक्त है ये भाई, एक भाई और आ गया, दोस्त हैं अपने। प्रसाद कितना लगी भाई बे, हनुमान जी के प्रसाद दे दिया है, और बेटा भाई फाइनली आ चुके हैं डोसा लेने, और भाई की बड़ी अच्छी दुकान है डोसे की, और कार्तिक के मुंह में पानी भी आ रहा है ना कार्तिक, कार्तिक के मुंह पानी आ रहा है। खाना तो अपने को भी घर आके, लेकिन दिक्कत ये है कि पानी अभी आ रहा है, खाना तो हमें ही है। अब भैया पानी तो आएगा, बढ़िया बनाते हो, तो पंप देते को। ये भैया है अपने, तो भैया डोसा कैसा है आपके यहाँ का? बढ़िया है, ये बेसिकली ना पूरी स्वीट की शॉप है यहाँ पर, ना हर सामान मिलता है, चिली प्लेट हो गया, चाइनीज, साउथ इंडियन, सब कुछ। तो ये ना भैया कह रहे कि बढ़िया है अपने यहाँ का डोसा, तो दोस्तों जबरदस्त है और डोसा और मज़ा आता है खा के। और बताना चाहता हूँ कि राहुल स्वीट्स है यहाँ पे शास्त्री नगर में, गाजियाबाद शास्त्री नगर। अभी हम रिसेंटली गाजियाबाद शास्त्री नगर में हैं, एच ब्लॉक मार्केट में, और राहुल स्वीट्स के नाम से स्वीट्स की दुकान है। और दूसरा इसमें यहाँ पे सामने डोसे वगैरह, आपका इडली वगैरह, आपका टिक्की, चाउमीन वाउमिन, ओवरऑल सब कुछ मिलता है यहाँ पे, और मतलब फेमस शॉप है यहाँ पे। और दोस्तों बस थोड़ा सा लेके निकलते हैं, और काफ़ी बहुत टेस्टी बनाया हुआ है, बाकी घर जाके खा के देखते हैं कि कैसा लगेगा। इंतजार में कब घर पहुँचे? क्या इंतजार में कब जाकर घर पहुँचे? देखो मैंने तो पहले कहा था पानी आ रहा है इसके मुंह में, क्योंकि उसने बोल ही दिया, रुका तो गया नहीं इस पे, कि मैं तो इंतजार में हूँ कि कब घर पहुँचूँ। इसका तो मन चलेगा पिन्नी फाड़ के रास्ते में खा लूँगा। दोस्तों सामान हमने ले लिया है और हम यहाँ से निकल चुके हैं, हम ठीक है भैया, बाय बाय कर रहे हैं यार, दोस्ती रखनी पड़ती है यार, क्योंकि थोड़ा सांबर वाम्बर ज़्यादा करवाने के लिए। और फाइनली कार्तिक पे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, कार्तिक पे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, फटाफट चाबी लगाई, निकलो अब यहाँ से। और तो यार थोड़ा सोच रहे हैं कि हम रास्ते में रुक के ना, मतलब हम थोड़ा बर्गर वर्गर खा लें। अभी आपको नहीं दुकान दिखाते हैं गुप्ता बर्गर के नाम से, बहुत फेमस और बहुत पुरानी शॉप है हमारे यहाँ पर। हम जब से आते थे, हम छोटे छोटे बचपन पे थे, तो लाइए मुझे पकड़ा दे बाइक पे, वैसे हैं ठंड वैसे लग रही है बेटा। और अब बर्गर खाएंगे, तो बर्गर खाएंगे और मजा आने वाला है दबा के। और हम निकल चुके हैं, कार्तिक तो भाई आराम से चला, कुछ ठोक ठाक मत दियो कहीं पे, ठीक है, क्योंकि इस पर बिल्कुल भी ना वेट नहीं हो रहा। और जब वेट नहीं हो गया, किसके मुंह में पानी वहीं पे आ रहा था, ठीक है, देख भाई सामने देख, सामने देख, सामने देख, साला खेड़ा वाला खाल हो गया। दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है अपनी शॉप, क्योंकि पास में ही है, तो हमने सोचा कि बर्गर भी कर जाए काम। और क्या हिसाब देखना पड़ता है ना आपको। गुप्ता बर्गर पे नॉर्मली छोटी शॉप है, बट बर्गर पे हम आ चुके हैं, ये अपना गुप्ता बर्गर है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। दोस्तों भी अपना बर्गर रेडी हो रहा है, तो उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो संदीप भैया के साथ हुआ था। भाई अभी क्या हुआ, अभी हम वहाँ गए थे, क्या नाम है तेरा, प्रसाद चढ़ाने गए थे, तो वहाँ क्या हुआ, प्रसाद जब हम चढ़ाने के लिए गए तो प्रसाद चढ़ा दिया,
तो दोनों की सेम लिफाफे थे, सेम प्रसाद था। अब उसमें क्या हुआ कि भाई प्रसाद बदल गया, और जैसे प्रसाद बदला वो कहने लगा कि तुमने एक प्रसाद ले गया। मैंने कहा नहीं नहीं हम दो प्रसाद लेके आए थे। तो अभी हमारे साथ ये ऐसी मंदिर में स्कैम हो गया, ऐसी कुछ हुआ हमारे साथ, तो दुर्घटना सी हो गई हमारे साथ। हमने कहा कि यार ले आज तो एक प्रसाद खाने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बात, तो गाइस डोसा तो अपने को मिला नहीं है क्योंकि डोसा वो था किसी और का, इसकी वजह से राल टपक रही थी। ठीक है, किसी तो गाइस हम लोग इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस ठीक है फिर, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बढ़िया सी चुटकुले आप सब लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच ऑल यार इतना प्यार देने के लिए पिछले वाले ब्लॉग के लिए। और दूसरा मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जो लास्ट की वीडियो में कहता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी करें अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो, और कुछ ना अच्छा लगा हो तो सर उसके लिए दोस्तों माफी। और देन थैंक यू सो मच ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।